समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए जानकारी लेते हैं प्रमुख समाचारों की। बैंक खाते के बगैर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, अब यह समस्या आड़े नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार और नाबार्ड के संयुक्त प्रयास से अब गांव के हर परिवार का बैंक खाता होगा। नाबार्ड ने 33वें स्थापना दिवस पर हर घर बैंक खाता अभियान की शुरुआत की है। शुरुआती चरण में प्रदेश के 5 जिलों को इस अभियान में शामिल किया गया है। यह जिले हैं चंदौली, हमीरपुर, मुजफ्फरनगर, ललितपुर और श्रावस्ती। नाबार्ड के गोमती नगर लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से प्रदेश के मुख्य सचिव ने वित्तीय समावेशी रथों को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि कृषि आधारित राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश के विकास के लिए इस सेक्टर को आगे ले जाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। वित्तीय साक्षरता के लिए उठाए गए इस कदम से किसानों को लाभ होगा। अभी 5 जिलों में शुरुआत के बाद अगले चरण में 11 और फिर बाद में 75 जिलों को कवर किया जाएगा। मानसून की बेरुखी और बिजली की किल्लत ने किसानों के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। कई पावर प्लांट्स के बंद होने और सूखे के चलते किसानों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है। इस कारण प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। पावर कॉरपोरेशन ग्रामीण इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं दे पा रहा है। कॉरपोरेशन ने ग्रामीण इलाकों के लिए 10 घंटे का शेड्यूल निर्धारित कर रखा है, लेकिन बिजली उपलब्ध न हो पाने के कारण 7 से 8 घंटे ही बिजली की सप्लाई हो रही है। मौजूदा समय में प्रदेश में शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई करने के लिए डिमांड 13,000 से 13,500 मेगावाट बिजली की है, लेकिन कॉरपोरेशन बमुश्किल 11 से 11,500 मेगावाट तक ही बिजली सप्लाई कर पा रहा है। इस कारण सबसे ज्यादा कटौती ग्रामीण इलाकों में ही करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में सूखे के हालात बन रहे हैं, सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार की मदद ली जाएगी। प्रदेश सरकार सूखे से निपटने के लिए पूरी तैयारी करेगी, किसानों को राहत देने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बारिश कम हुई है। बुंदेलखंड के किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके लिए प्रदेश सरकार मदद करने जा रही है, इसमें भारत सरकार का भी सहयोग उसे मिला है। इस बीच देश के 500 जिलों में सूखा पड़ने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट किया है। कृषि मंत्री भारत सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आपात योजनाएं बनाने की सलाह दी है। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि अगर वर्षा ऋतु में किसी क्षेत्र में सामान्य से 50% से कम बारिश होती है तो उसे सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। बारिश की अगर यही गति रही तो उत्तर प्रदेश के 42 से अधिक जिले सूखे की परिधि में आ जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पिछले दिनों बारिश हुई है, लेकिन बारिश इतनी पर्याप्त नहीं थी कि धान की रोपाई आसानी से हो सके। मेरठ, आगरा, मथुरा में बारिश हुई, लेकिन एटा, फिरोजाबाद, कासगंज आदि जिलों में बारिश का इंतजार बना रहा। किसानों को नहर और नलकूपों से पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश का कहना है कि प्रदेश में लगभग 11.65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जो सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बड़े पैमाने पर झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, कानपुर और मिर्जापुर मंडल के जिले इस दायरे में आते हैं। आगरा और वाराणसी मंडल के भी कुछ जिलों में सूखे का खतरा है। कृषि निदेशक ने बताया कि ऐसे 26 जिलों को लेकर सूखे से निपटने का प्लान तैयार है और कम बारिश वाले जिलों में 1.36 लाख क्विंटल बीज भेज दिए गए हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि पिछले सप्ताह तक प्रदेश में लक्ष्य की अपेक्षा केवल 20% धान की रोपाई की जा सकी है। पिछले साल के मुकाबले अब तक 8 लाख हेक्टेयर कम बुआई हुई है। मक्का लक्ष्य का 41% ही बोया जा सका है, अरहर लक्ष्य के मुकाबले 18% और ज्वार केवल 11% ही बोया जा चुका है। आम की बागवानी के लिए मशहूर माल, मलिहाबाद और काकोरी क्षेत्र कुछ सालों बाद बंजर भूमि में बदल जाएंगे। दशहरी, चौसा और लखनवी आम की पैदावार वाले इन इलाकों में भूगर्भ जल स्तर इतना कम हो चुका है कि अब इसका असर आम की बागवानी पर पड़ रहा है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट भारत सरकार ने फल पट्टी के पूरे इलाके में हैंडपंप, समरसिबल, जेट पंप आदि लगाने की मनाही कर दी है। पिछले कुछ सालों से इन क्षेत्रों में आम की पैदावार में लगभग 40% गिरावट आई है।
पानी की कमी की वजह से आम के बागों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया गया तो आम की इस पूरी बेल्ट पर असर पड़ेगा। यह सूचना भूगर्भ जल स्तर सप्ताह के मौके पर विभाग के मुख्य विकास अधिकारी ने दी। किसान भाइयों, ये तो थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। आइए अब जानकारी लेते हैं खेतीबाड़ी की समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, धान की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की रोपाई इस माह के दूसरे पखवाड़े तक कर सकते हैं। रोपाई के लिए खेत में पर्याप्त पानी की व्यवस्था करें। सुगंधित प्रजातियों की भी रोपाई इस महीने के अंत तक कर सकते हैं। धान की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए रोपाई के 3-4 दिन के भीतर ब्यूटाक्लोर 50 ईसी की 3-4 लीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर ब्यूटाक्लोर उपलब्ध न हो तो ब्यूटाक्लोर ग्रेन्यूल 5% की 30-40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर में प्रयोग करें। ध्यान रहे, ग्रेन्यूल का प्रयोग करते समय धान के खेत में 4-5 सेंटीमीटर पानी जरूर भरा हो। किसान भाइयों, बाजरे की बुआई इस माह के दूसरे पखवाड़े तक कर सकते हैं। बाजरे की बुआई के लिए 4-5 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम इस महीने में जरूर पूरा कर लें, इससे जड़ों को मजबूती मिलेगी। जो किसान भाई इस माह की शुरुआत में खरीफ की सूरजमुखी की बुआई कर चुके हों, वे बुआई के 15-20 दिनों बाद खरपतवार और फालतू पौधे निकाल दें। पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर कर दें। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, वे इस माह में बैंगन, मिर्च और अगैती फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। बैंगन में रोपाई के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट और 50 किलोग्राम पोटाश मिलाएं। मिर्च में रोपाई से पहले 35-40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40-60 किलोग्राम फास्फेट और 40-50 किलोग्राम पोटाश मिलाएं। इसी प्रकार अगैती फूल गोभी में रोपाई से पहले 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फेट और 40 किलोग्राम पोटाश मिलाएं। किसान भाइयों, इस माह अपने पशुओं को गलाघोटू और BQ का टीका लगवाएं और पशुशाला को साफ सुथरा रखें और पशुओं को मच्छर मक्खी से भी बचाएं। खेतीबाड़ी और पशुपालन की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं प्रमुख मंडियों के ताजा औसत भावों की। गेहूं मुरादाबाद मंडी में 1425 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1485 रुपए, सहारनपुर में 1390 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1485 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चावल मुरादाबाद मंडी में 2120 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2160 रुपए, सहारनपुर में 2130 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2010 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चना मुरादाबाद मंडी में 2970 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 3250 रुपए, सहारनपुर में 3200 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2815 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। उर्द मुरादाबाद मंडी में 5080 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 5055 रुपए, मसूर मुरादाबाद मंडी में 5125 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ मंडी में 5760 रुपए, सहारनपुर और शाहजहांपुर मंडी में 5125 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मटर मुरादाबाद मंडी में 3175 रुपए, मेरठ में 3075 रुपए, सहारनपुर में 3150 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3200 रुपए के भाव से बिका। किसान भाइयों, तिलहन में सरसों मुरादाबाद मंडी में 3100 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 3205 रुपए, सहारनपुर में 3180 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3220 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ का भाव मुरादाबाद मंडी में 2990 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 3010 रुपए, सहारनपुर में 2900 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3005 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आइए जानकारी लेते हैं कुछ सब्जियों के मंडी भाव की। आलू मेरठ में 1470 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर में 1575 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज मुरादाबाद मंडी में 1860 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1645 रुपए, सहारनपुर में 1600 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1750 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका।
टमाटर मुरादाबाद मंडी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1170 रुपए, सहारनपुर में 1500 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। भिंडी मुरादाबाद मंडी में 760 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 680 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर मंडी में 700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। कद्दू मुरादाबाद मंडी में 540 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर मंडी में 550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो, जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह, 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यह है बाराबंकी जिले का गांव टेसुआ। कुछ साल पहले तक इस गांव में धान, गेहूं, जौ, मटर, चना आदि की पारंपरिक खेती हुआ करती थी। इससे इस गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। यहां के लोगों को मजदूरी के लिए शहरों की तरफ पलायन करना पड़ रहा था। लेकिन तभी यहां के किसानों ने एक प्रगतिशील किसान से प्रेरणा लेते हुए आधुनिक खेती को अपनाया और विकास के रास्ते पर चल पड़े। आपने पुराना समय भी इस गांव का देखा है। जी हाँ। जब हमारे पूर्वज यहाँ धान गेहूं की खेती, और आपके समय में भी धान गेहूं की खेती हुआ करता था। जी। तो तब में और अब में क्या अंतर पाते हैं? अरे अब जमीन आसमान का फर्क है। पहले 70-75 रुपए क्विंटल धान बिक रहा था, 18 से 20 तक धान बिक रहा है।
नहीं तो पहले तो यहाँ लोग सिर्फ धान गेहूं की खेती करते हैं। हाँ, धान ही गेहूं। अब क्या क्या खेती होती है? अब तो केला भी होने लगा है, टमाटर, शिमला मिर्चा, अचार वाला मिर्चा होने लगा है। ये 5-6 साल से जो आप खेती कर रहे हैं जी, तो ये 5-6 साल में क्या अंतर आया? अब 5-6 साल में अंतर इतना आया कि हमने अब तक की जिंदगी में हमने जो नहीं कमाया उस 5-6 साल में हमने कमा लिया। ये गांव में तब क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले तो फसल तैयार हुई 2-3 महीने तक, बस 2 महीना या 3 महीना खाया नहीं तो फिर पता चला मजदूरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं लखनऊ जा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं बाराबंकी, यही सब मजदूरी से अपना पेट पालन कर रहे थे। अब भी लोग मजदूरी करने जाते हैं कि गांव में काम मिल जाता है? अब तो यहीं गांव काम क्या, उनके पास खुद ही इतना टमाटर लगा हुआ है कि हर आदमी जिसके पास थोड़ी भी जमीन है हर आदमी टमाटर लगाए हुए है, उसको जब मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं। तो पहले में अब में क्या अंतर है, गाँव में क्या बदलाव है? बदलाव बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब पहले मजदूर ज़्यादा थे, 70% करीब लोग थे, अब बहुत कम मजदूर रह गए हैं कि जो कि मतलब विकास ज़्यादा हो चुका है, काफ़ी लोग पैसा कमाए इसमें खेती से। गांव की स्थिति किस तरह से बदली है? स्थिति मतलब टमाटर की खेती से जब शुरुआत हुआ ना तो वहीं से मतलब थोड़ा थोड़ा करके विकास होता रहा, फिर लोग बदल गए और मतलब काफ़ी पैसा कमाए। नहीं, पैसा तो कमाया उन्होंने, उस पैसे से शिक्षा वगैरह में भी बदलाव आया है? जी, शिक्षा में बदलाव आया जी, बच्चे अब स्कूल जाते हैं जी। ये बताइए, चूंकि गांव के प्रधान भी हैं आप जी, तो गांव की विकास की जिम्मेदारी भी आपकी है जी। ये बताइए कि पहले जो खेती होता था, अब जो खेती हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि कुछ विकास हो रहा है? जी, विकास हो रहा है, लग रहा है। किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से लोग डेवलप हो रहे हैं? मतलब खेती करते हैं ये टमाटर की, फिर उससे पैसा छूटता है, फिर आगे मतलब जो पैसा छूटता है उससे मतलब धंधा भी करते हैं और मतलब बच्चों की पढ़ाते हैं, इसी तरीके से विकास हुआ उससे काफ़ी लोग। नर्सरी में बोने के लिए कुछ खास तरह से जमीन की तैयारी करनी होती है जी? किस तरह से? उसको जो है मिट्टी को महीन करते हैं, फिर उसमें गोबर की खाद मिलाते हैं, गोबर की खाद मिलाने के बाद उसमें दवा भी मिलाते हैं, उसके बाद में उसको थैली में मिट्टी भरते हैं, भरने के बाद में फिर उसमें बीज डालते हैं, उसके बाद गोबर की खाद रखते हैं, फिर उसको फव्वारे से सिंचाई करते हैं, और जब अधिक ठंडक होती है तो उसको मतलब पैरा से बंद कर देते हैं, और जब बीज जमने लगता है उसको हटा देते हैं, फिर फव्वारे से उसकी सिंचाई करते रहते हैं, इसी तरीके से नर्सरी तैयार हो जाती है। आप लोग टीवी भी देखते हैं जी? टीवी पे जो कृषि दर्शन प्रोग्राम आता है उससे कुछ फायदा हो रहा है आप लोगों को? जी, फायदा हो रहा है जी। किस तरह की जानकारी वहाँ मिलती है? अरे वहाँ से दवा की भी जानकारी मिलती है और मतलब नए नए बीज की जानकारी मिलती है कि मतलब कौन सा मतलब बेसार अच्छा रहेगा, वैरायटियाँ भी उससे जानकारी होती है कि कौन ज़्यादा अधिक पैदावार होते हैं। प्रधान जी, जाहिर है कि खेती की जाए तो उसमें फायदे की बात होती है जी, तो ये बताइए कि टमाटर की खेती में कितना फायदा है, कितना पिछले साल, अभी तो टमाटर आपका जा रहा है, अभी जाएगा भी, तो इस साल का शायद पूरा आप ना बता पाए, पिछले साल आपने कितना टमाटर बोया था? पिछले साल तो करीब हम 4 बीघा बोए रहा लगभग, तो उसमें जो 1400 के खाद रहा उसमें करीब 140,000 रुपये छूटा था। 1400 में 140,000 रुपये लागत कितना आई उसमें? लागत करीब करीब 15-16,000 के करीब आई रही। अक्सर हमारे किसान भाई अच्छी उपज के लिए परेशान तो रहते ही हैं, साथ ही अगर उपज अच्छी हो गई तो उसके विपणन के लिए और परेशान हो जाते हैं, लेकिन टेसुआ गांव के किसान विपणन कार्य को लेकर चिंता मुक्त रहते हैं, क्योंकि व्यापारियों ने इस गांव में ही अपना डेरा जमा रखा है। ये किसान से उचित मूल्य पर उनका उत्पाद खरीद कर उनका भुगतान सही समय पर कर देते हैं। ऐसे इस गांव के उत्पाद बड़े बड़े शहरों में भेजे जाते हैं। आपके यहाँ से टमाटर कहाँ कहाँ जाता है? हमारे यहाँ से टमाटर बाराबंकी से लेकर के गोरखपुर, फैजाबाद और सुल्तानपुर, और इधर निकल जाता है गोंडा, निकल जाता है कलकत्ता भी चला जाता है, इस तरीके से काफ़ी दूर दूर जाता है, नेपाल भी चला जाता है। ज़्यादातर व्यापारी यहीं आता है। तो कैसे बेचते हैं आप लोग व्यापारियों से? व्यापारों से हमने बता दिया कि भाई टमाटर है हमारे पास, वो अपना खेत देखते हैं और टमाटर ले लिया। अपना टमाटर जो यहाँ से खरीदते हैं कहाँ कहाँ भेजते हैं? ये बिहार जाता है, जौनपुर, सुल्तानपुर, जहाँ की मंडी अच्छी हो वहाँ पे। मतलब देश में हर जगह जहाँ मंडी अच्छी हो भेजते हैं आप जो है। कैसे खरीदते हैं आप? ये जैसे बाजार खुले, मतलब कि भाई मंडी के हिसाब से होता है, पहले वहाँ पे फ़ोन किया जाता है जो, तब जाके इधर रेट खोला जाता है। यहाँ से टमाटर आपने खेत से ख़रीदा, रेट से आपके पास आ गया, तो आप कैसे भिजवाते हैं यहाँ से? ये यहाँ पे छांट आट के, मतलब कि काना सड़ा निकाल के पैकिंग होकर तब लद के जाता है गाड़ी से, ट्रेडिंग करके, पैकिंग करके गाड़ी से भिजवाते हैं। ये बताइए किसानों को पैसा कैसे देते हैं आप? पैसा मतलब कि हमारा माल तो ऐसे ही जाता है, मतलब फ़ोन पे, हम लोग दूसरे दिन पैसा जब लाते हैं तब यहाँ पे देते हैं पैसा, चाहे फिर माल वहाँ बिके या ना बिके, लेकिन पेमेंट हम लोग को अपने पास ही करना पड़ता है। किसान को दूसरे दिन पेमेंट कर देते हैं हर हाल में? कभी कोई किसान को दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए टेसुआ गांव में टमाटर इतना अधिक हो रहा है, सब लोग यहीं बेचते हैं कि कुछ लोग बाहर भी डायरेक्ट भी बेचते हैं? नहीं, यहाँ पे तो मतलब कि कुछ लोग तो फैजाबाद तक जाते हैं, मतलब कुछ लोग जिसका पड़ता आता है वो यहीं देते हैं।
आपको क्या लगता है कि यहाँ के टमाटर मार्केट खुलने से किसानों को जहाँ फ़ायदा हुआ, व्यापारियों को भी कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ, किसानों को भी फायदा है, व्यापारी को भी फायदा है। मतलब किसानों को इतना फ़ायदा कि मतलब कि जैसे वो मंडी ले जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग माल यहीं पे ले, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी भी अपनी भेजा और क्रेट भी अपनी भेजा, माल वहाँ पे भर गया, पैकिंग हो गया, चुप्पे यहाँ पर गाड़ी लेके चला गया। एजुकेशन के बाद कहते हैं कि नौकरी नहीं मिली, शहर की तरफ भागना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे उनसे तो हम यही कहना चाहते हैं कि गांव में रह के अपना खेती करें तो ज़्यादा पैसा रहेगा, दूसरे के मजदूरी करने से क्या फ़ायदा, अपनी खेती अपनी ज़मीन बचाए रखो। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। बृहस्पतिवार की रात से कहीं कम तो कहीं ज्यादा वर्षा हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे तथा रुक रुक कर मानसूनी बारिश होती रहेगी। कुछ क्षेत्रों में शनिवार व रविवार को गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बारिश के पानी का सदुपयोग करते हुए खेत का पानी खेत में रोककर धान की फसल की रोपाई का कार्य करें। मानसून में विलंब होने के कारण धान की रोपाई धीमी रही, अब मानसून सक्रिय हो गया है, इसलिए किसान भाई धान की रोपाई का कार्य बहुत तेजी से करें। मानसून में विलंब के कारण कम अवधि में तैयार होने वाली धान की संस्तुत प्रजातियों का चयन करें। लेकिन रोपाई से पूर्व किसान भाई ध्यान रखें कि पौध की चोटी जरूर काट दें, इससे फसल में तना भेदक व हिस्पा कीट का प्रकोप कम होगा। अच्छी पैदावार के लिए स्त्री पद्धति अपनाएं। कम अवधि और कम पानी में होने वाली फसलों की खेती के लिए किसान भाई मूली, पालक, लौकी, तरोई, भिंडी, लोबिया आदि की बुआई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई मेड़ पर करें, साथ ही सावा व कोदों की बुआई का उचित समय है। दलहनी फसलों में अरहर से अच्छे उत्पादन के लिए इसकी बुआई मेड़ों पर करना लाभप्रद होगा। बैंगन व मिर्च की तैयार पौध की मेड़ों पर रोपाई करें। पहले से रेखांकित गड्ढों में आम, अमरूद, आंवला व लीची के पौधों की रोपाई शुरू करें। पशुओं को बारिश में छायादार स्थान पर बांधें, साथ ही बांधने वाली जगह पर साफ सफाई रखें। किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।